हाय, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि 2020 स्टार्ट होने से पहले आपको छोड़ देनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीज़ों के बारे में जो कि 2020 स्टार्ट होते ही आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉप वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। दूसरे क्या सोचेंगे इस चीज़ के बारे में सोच के खुद को परेशान करना बंद कर दीजिए। ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि अगर मैंने ये काम किया, मैंने इस ड्रीम को फॉलो किया, मैंने इस हॉबी को परस्यू किया या मैंने कुछ भी ऐसा किया तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा या आज मेरी जो कंडीशन है मैं उससे बहुत अच्छे कंडीशन में आगे हो जाऊँगा, तो जस्ट गो फॉर इट। हमारे माइंड में क्या आ जाता है थॉट कि हमारे अगल बगल वाले लोग, हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। कुछ भी सोचें, आपका बस एक एम होना चाहिए सक्सेसफुल होने का। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे आपके बारे में। इनफैक्ट लोग आपका एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को या अपने जान पहचान वालों, किसी को भी लोग आपका एग्जाम्पल देने लगेंगे कि देखो हमने स्टार्टिंग में तो इनके बारे में बुरा भला सोचा बट इनका देखो गोल ये था और ये वहां तक आज पहुंच गए। दुनिया ने कुछ भी बोला बट ये किसी की सुनी नहीं इन्होंने, इन्होंने खुद की सुनी। तो जस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। किसी और के ओपिनियंस को अपनी लाइफ का डिसीजन मत बनने दीजिए, क्योंकि किसी और के ओपिनियंस आपका बिल पे करने नहीं आएंगे। किसी रेस्टोरेंट में अगर आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो किसी का ओपिनियन आके बिल नहीं पे कर देगा कि अरे इन्होंने तो मेरी बात मानी थी, लो इनका बिल पे कर दो। तो नहीं, आपने जो अपने मेहनत से पैसे कमाए, आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए मेहनत से पैसे कमाए बस वही वहां पर आपके साथ देंगे। तो पहले आप हैं फिर कोई और। हमारा सेकेंड पॉइंट है स्टॉप बींग अ शिप। भेड़ बनना बंद कर दीजिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, इनफैक्ट आप भी ऐसा चाहते होंगे कि लोग आपको जाने, लोग आपकी बात को सुने, लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको फॉलो करें। तो अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इंडिविजुअलिटी पे वर्क करना होगा। ये देखिए, ये पूछिए खुद से कि आप फिर हैं कौन, कौन है आप, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या माइंडसेट है आपको लेके। वो आपको एज अ लीडर देखते हैं, एज अ फॉलोअर देखते हैं, या किसी इंसान के पीछे पीछे घूमने वाला इंसान समझते हैं, या एज ए इंडिविजुअल पर्सन समझते हैं। तो उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ पे वर्क करिए। चीज़ों के लिए स्टैंड लेना सीखिए। जो आपके मन में है, जो आपके मन, जो आप सोचते हैं जैसा, उस चीज़ को एक्सप्रेस करिए। कोई इसे इगोइस्टिक या फिर कोई इसे सेल्फिश नहीं समझेगा, सब लोग इसे बींग जेन्युइन समझेंगे कि इंसान जेन्युइन है। कम से कम जो इसके मन में है वो उसके मुंह पे है। ऐसा नहीं कि किसी और की बात में इधर उधर किसी को फॉलो करता है या लोगों के पीछे पीछे घूमता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अगला पॉइंट जो कि आपको 2020 से पहले बंद कर देना चाहिए वो काम करना, वो है स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन। लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए। जिंदगी में ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि आखिर सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, बट फेल होने का मुझे पता है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम खुद पे नहीं दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं, दूसरों इंसान को खुश करने लगते हैं। हम दूसरे इंसान की हैप्पीनेस को, उसके ईगो को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं रैदर देन खुद की इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देना। वही बात है कि मतलब अपने पास कार है और उसे ड्राइव भी करना है बट दूसरे इंसान की कार का ड्राइवर बन के घूम रहे हैं। आपकी खुद की भी कुछ लाइफ है, आप खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट हो जाएगी, फिर आप क्या सोचते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका ईगो, सब चीज़ एकदम डाउन हो जाएगी। आप खुद समझ ही नहीं पाएंगे, आप लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने किसी भी काम से कुछ भी करके सामने वाले इंसान को खुश कर लेंगे तो वो नहीं होने वाला। दुनिया भगवान से भी परेशान है तो आप तो इनफैक्ट फिर भी एक इंसान हैं, आप नहीं खुश कर सकते किसी को। जिंदगी आपकी है। अगर आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे तो जस्ट बी सेल्फिश। पहले आप आते हैं फिर कोई और आता है, ये अपने माइंड में एकदम आप बैठा लीजिए। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टूवर्ड्स कि हमें 2020 में क्या चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है कमिटमेंट। जिंदगी में अगर कभी भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप आता है कमिटमेंट। 2020 से ही बात खुद से एकदम गांठ बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए बड़े बड़े में कि मैं जिस काम को स्टार्ट कर दूंगा उसको रोज करूंगा। आपका जो भी सपना आपके माइंड में उन सारी चीज़ों के बारे में आ रहा होगा कि अरे नहीं मैं इस काम को डेली नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, उन सारी चीज़ों के लिए आपको डेली वर्क करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप खाना खाना नहीं बोलते, पानी पीना नहीं बोलते, कोई काम करना नहीं बोलते, यूट्यूब पे वीडियोस देखना नहीं बोलते, इंस्टाग्राम पे चैट करना नहीं बोलते, लाइक करना कुछ नहीं बोलते, बस काम करना कैसे भूल जाते हैं, क्यों नहीं आपके पास टाइम निकल के आ रहा है।
इससे साफ पता चला है कि आप अपनी लाइफ में कमिटेड नहीं है। तो जिंदगी में अपने वर्क के लिए कमिटेड रहिए कि रोज थोड़ा ही थोड़ा करिए, बट करिए जरूर। हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ करिए जो आपको आपके सपने के थोड़ा और पास ले जाए, तब जाके आप किसी दिन एक बड़ा कुछ हासिल कर पाएंगे जिंदगी में। बस सोच के देखिए, अगर आपने कोई चीज 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट की होती तो आज उस काम को करते हुए पूरे 1 साल हो गए होते, आप उस चीज में बिल्कुल परफेक्ट हो गए होते, लोग आपका एग्जाम्पल देते, लोग आपको एडमायर करते, आपको रिजल्ट्स दिख रहे होते। तो आज देख के अच्छा लग रहा है ना, सोच के अच्छा लग रहा है कि अरे काश मैंने ऐसा किया होता। तो ये काश अगले साल ना रहे, इसलिए आपको 1 जनवरी से ही काम पे लग जाना है और अपने काम के टुवर्ड्स एकदम कमिटेड रहना है। हमारा अगला पॉइंट है, जल्दी मत उठो। सिंपल, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का ऐसा DM भी आता है कि मुझसे जल्दी सुबह नहीं उठा जाता, क्या करूं? ठीक है, नहीं उठा जाता मत उठो, कोई दिक्कत नहीं है। बस काम नोट कर लो, क्या काम करना था सुबह उठ के, और उस काम को रात में करके ही सो। काम होने से मतलब है अगर, तो चाहे तुम सुबह उठ के कर लो या फिर आप उस काम को शाम को और रात में सोते समय कर सोइए, कोई मतलब नहीं। काम होने से मतलब अगर है तो ऐसा ही सही, देर रात तक काम करिए, हाँ, बट काम होना जरूर चाहिए। अब इस चीज़ को कुछ लोग अलग वे में मत रिलेट कर लें कि सुबह जाना है तो कैसे जाऊंगा, रात में कैसे निकल जाऊँ, ये नहीं है। आपको भी पता है मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हमारा अगला पॉइंट है, लर्न टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा इस काम को नहीं करना है, ये काम गलत है, बट हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम बार बार उस काम को रिपीटेडली उस काम को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो अब बात आती है कि कंट्रोल कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना होगा। लेट सपोज सोच लिया कि ठीक है 1 घंटे तक पानी नहीं पीऊँगा तो पानी नहीं पीना है, 2 घंटे तक खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाना है, आज दिन मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करूंगा, नहीं करना है, व्हाट्सएप पे 1 घंटा चैट नहीं करूंगा, नहीं करना है। खुद को रोकिए छोटी छोटी चीज़ों से। आज बाहर गया तो आज कुछ खाऊंगा नहीं, आज ये चीज़ नहीं खाऊंगा, आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, आज ये काम नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे करके जब आप करेंगे तो इससे होगा कुछ नहीं, आपकी लाइफ पे कोई हार नहीं होगा इससे, बट इससे होगा ये कि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना आ जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है मैं बड़ी बड़ी चीज़ों से स्टार्ट कर देता हूँ, तो नहीं हो पाएगा। आप अगर लगातार बड़ी बड़ी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे कि ठीक है आज के बाद कभी ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं आप कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका माइंड उस तरह से अभी वर्क कर ही नहीं रहा, फंक्शन कर ही नहीं रहा उस तरह से। आपको माइंड पे कंट्रोल करना भी आया ही नहीं है। आप लेट सपोज आप हार्डली 1 हफ्ते कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें जो कि आपको 2020 से पहले क्विट कर देनी चाहिए और कुछ 2020 के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आपको और आपके पूरी फैमिली को एडवांस में अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर जाने वाला है, जस्ट बिलीव दैट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा है। थैंक यू।